Eat 5 star. Do nothing. Later. No, भाई बहन चोद। First of all, shout out to Hasan Tahsin. उसने मेरे को बताया था कि वो भी यही गेम खेल रहा है. So, क्या ही बोलूँ, best of luck. मेरे जैसे लौड़े लग रहे तुम्हारे ना लगे, होप सो. और तुम अच्छे से खेल पाओ और enjoy कर पाओ, okay? And चलो फिर comments देख ही लेते, बकबक करो उससे पहले. तो अग्निल ने इस बार मेरे को बहुत सारे टिप्स दिए हैं कि वो नेमेसिस से कैसे बचना है, मेरे को उसके बारे में थोड़े मेरे को टिप्स दिए नेमेसिस के बारे में. एंड मेरे को ये भी पता चल गया कि वो मेरे को जेम्स, क्या जेम्स ही था ना अपने, कहाँ गया, एक सेकेंड, कहाँ गया है, ब्लू जेम और रेड जेम. तो अपने को दो औरतों की मूर्ति मिलेगी, वहाँ पर लगानी है. अब मेरे को नहीं पता वो कहाँ पर, सो ढूंढेंगे अपन आज. एंड मेरे को मूसा प्लेस ने बताया था कि उसके पास जी रिबर्ट 1 के लिए इतने टिप्स नहीं है, बट जी रिबर्ट 2 के लिए बहुत सारे टिप्स है उसके पास. तो आई विल वेट, जब मैं सेकंड पार्ट खेलूंगा तो भाई तुम्हारा इंतजार करूंगा मैं, जरूर से बताना, ठीक है? रेडी रहो तुम, मैं तो रेडी हूँ. और अनुभव ने मेरे को बताया है कि दूसरे सेफ रूम में मेरे को दोनों जेम लगाने, तब जाके कट सीन आएगा. सो देखेंगे मैं कौन सा सेफ रूम की बात कर रहा. ओ, कौन सा सेफ रूम, मतलब कि ये सेफ जहाँ पे करते हैं, तो ऊपर एक और था. लेट्स सी, देखते पहले कमेंट्स पढ़ लेता हूँ मैं, ठीक है? ओके. एंड मेरे को सूजत ने कमेंट करके बताया कि उसके हिसाब से जी रिबर्ट 1 ज़्यादा हार्ड है जी रिबर्ट 2 से, मतलब सेकंड पार्ट से ज़्यादा हार्ड फर्स्ट पार्ट है. एंड उसने लेकिन लास्ट में ये भी मेरे को लिख के बताया कि उसने तो नॉर्मल मोड में पार किया था, सो मैं अभी हार्ड मोड पे कर रहा हूँ, तो शायद से बहुत हार्ड होने वाला है. आई डोंट नो भाई, कुछ और कमेंट्स है क्या, देख लेता हूँ मैं. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. और यही बताया था कम्युनिकेटर से इसको कैसे हटाते हैं, बस मेरे को क्या करना है, कम्युनिकेटर डिवीजन अपना रिमूव एनपीसी, ठीक है? बस हो गया, बूम, इतनी जल्दी हो गया, पिछला ग्लिच हुआ था. और अग्निल ने मेरे को ये भी बताया कि नेमेसिस का कुछ तो ग्लिच था, लाइक वो मेरे को थोड़े बहुत मार के एंड थोड़े बहुत जॉम्बीज को मार के वो गायब हो जा रहा था ना, तो उसके हिसाब से उसने तो मतलब नेमेसिस को हराया था, तब जाके वो भागा था. सो पता नहीं, मैं किस्मत मेरी अच्छी चल रही है शायद, क्या मालूम मेरे को, तो मेरे को हराना नहीं पड़ा. तो लेट्स सी भाई कौन सा सेफ रूम की बात कर रहा था वो, एंड आई होप से वहाँ पे मेरे को मिल जाए. अरे एक और बताना भूल गया मैं, एक मेरे को कमेंट आया था, सीरियसली भाई मेरे को कमेंट दिल पे लगा, ऐसा भी. ओके फक ब्रो, मिल गया. ओके पहले मैं लेकिन वो कमेंट बताना चाहूँगा. एक्चुअली मेरे को कमेंट मिला तो नहीं, शायद से उसने डिलीट किया, क्या पता, मेरे को याद नहीं क्या बोल रहा, पता नहीं मेरे को इसने क्या किया, मैंने कमेंट ढूंढा तो मेरे को मिला नहीं. तो बेसिकली उसने वही लिखा था कि जो मेरी लास्ट वीडियो थी ना, मतलब कि बोरिंग हुई थी. जैसे मैं नॉर्मली वीडियोस बनाता हूँ, द डाउन की मैंने जैसे बनाई, उससे बहुत ही बोरिंग थी वीडियो. एंड आई अग्री भाई कि बहुत बोरिंग वीडियो बन गई थी, क्योंकि मेरे को सही में यार उतना शायद मज़ा नहीं आया था, क्योंकि उसमें एक तो भाई मैं रात को रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया था, एंड मेरे को स्टोरी लाइन झाट मेरे को याद नहीं थी कि मैं पिछले वीडियो में क्या किया था करके. तो इसके चक्कर में एक तो ये पॉइंट हो गया मेरा मेन. एंड ट्रूली भाई मेरे को ऐसा लगा कि यार हाँ एक्चुअली बोरिंग है. एंड आई अग्री, ऐसा नहीं कि बस मैं सोचूंगा अरे वो हेटर है भाई क्या फ़र्क पड़ता है कुछ भी लिखने दो, बट आई अग्री. एंड मैं पूरी एकदम कोशिश करूँगा कि अगली बार से तुम लोग को बोरिंग वीडियो ना मिले, ठीक है? तो अब तो मैं अपना बेस्ट दूंगा भाई. एंड अभी से रेगुलर वीडियोज़ आना मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, हमें को पता है मेरी बोर्ड्स एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, स्टिल मैं ट्राई करूँगा. ओके तो पहले चलो यहाँ पे मिल जाए. थैंक यू सो मच भाई यहाँ पे सेफ रूम का मेरे को बताने के लिए, थैंक यू सो मच. बिग शाउट आउट टू यू अनुभव भैया. एक में ब्लू और एक में रेड ना, कौन सा भी चलेगा ना, वैसे पता चले भाई दोनों में अलग है. ओके अब क्या होगा, कूल साइंस लैब की मिली. ऑलराइट एंड मेरे को एनपीसी जहां तक तुम लोग ने बताया भैया. ओ इन लोग कहां से आ गए, आप डरा दे बहन के लौड़ो. एनीवे नोबिता बोलता है अभी यासो को देख के, हे यासो क्या तू ठीक है अभी, इसको एकदम चोट वोट लगी थी तो अभी फाइनली ठीक है वो. तो यासो रिप्लाई देता है, यस मैं बहुत बढ़िया हूँ नोबिता, थैंक यू पूछने के लिए. एंड फिर नोबिता आगे बोलता है, पर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो यासो. फिर यासो उसको रिप्लाई देता है, मैं बस साइंस लैब की ढूंढने आया हूँ यहाँ पे, ताकि मैं उस कमेलियन को जो चिपकली थी बहुत बड़ी गिरगिट जिसने मेरे को चोट पहुँचाया उसको मैं ख़त्म कर सकूँ. अब यहाँ पे साइंस लैब की तो अपने पास है, मतलब कि नोबिता के पास है, अब वो बताने वाला है मेरे पास है कि या फिर कुछ नहीं बोलने वाला है, मेरे को नहीं पता. ओ बता दिया, ठीक है. नोबिता का रिप्लाई आता है, ओ साइंस लैब की मेरे को वेल अभी मिली. फिर यासुओ वहाँ से बोलता है, ओ सच्ची, तो मतलब तू भी उस मॉन्स्टर को हराने जा रहा है ना. फिर नोबिता यहाँ से रिप्लाई देता है, हाँ जैसा कि तूने मेरे को बताया था तुम लोग ने,
मेरे को ऐसा लगा कि बहुत डेंजरस है वो, जो भी मॉन्स्टर है बहुत बड़ा डेंजरस है, तो उसका जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा वरना बहुत खतरा हो सकता है आगे जाके। फिर यासुओ बोलता है, फिर तो मैं तेरी मदद करूँगा। ओके, यासुओ अपनी मदद करेगा। करने ही वाला था कि नोबिता बीच में अपनी गांड में चर्बी है ना बहुत लौड़े के, बोलता है कि ये बहुत खतरनाक है, मेरे को ये अकेले हैंडल करने दो। झाड़ू तू क्या ही उखाड़ लेगा, मतलब तेरे पास एक पिस्तौल है, झाड़ बरसी और SMG है क्या, बट एमो नहीं है उसमें। फिर यासुओ बोल रहे हैं, नहीं नहीं इतना डेंजरस नहीं होगा अगर हम लोग साथ में काम करें तब, और वैसे भी उसका मेरे पे एहसान है। एहसान मतलब कि उसने जो इसको चोट पहुंचाई है ना उसकी बात कर रहा है वो, तो मैं उसको ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, मैं उससे बदला जरूर लेके रहूंगा। फिर नोबिता उसको बीच में टोकते हुए बोलते हैं, बट यासुओ तेरे जख्म तो अभी तक भरे नहीं अच्छे से, तेरे जो भी एकदम कटे पिटे जो भी क्या है जहाँ पे तेरे को लगा हुआ है अच्छे से वो हील अप नहीं हुए, रिकवर नहीं हुए, तो तू क्या करेगा जाके। एंड फिर साइना बोलती है यहाँ पे बीच में, नोबिता मैंने भी इसको रोकने की कोशिश की थी बट ये किसी की बात नहीं सुन रहा है। फिर यासुओ दोनों को चुप कराते हुए बोलता है, सब ठीक होगा, चिंता मत करो, भरोसा करो मेरे पे, सब ठीक होगा, ओके। फिर नोबिता एकदम डॉट 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 डॉट, फिर आगे बोलता है, अच्छा ठीक है चलो यासुओ मेरे साथ, लेकिन प्लीज़ वहाँ पे कुछ खतरा मोल मत ले लेना अपने ऊपर। यासुओ बोलता है, यस मैं उसका ध्यान रखूँगा। और साइना भी बोलते हैं कि मैं भी अपना बेस्ट दूंगी। ओके कूल, साइना एंड यासुओ ज्वाइन द टीम, बट मैं अभी ये नहीं कर, और हाँ इन लोग का कट सीन तो भाई बहुत बहुत रंडी रोना वाला होगा। ओके NPC मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके सो मेरे को अभी साइंस लैब की मेरे को याद है क्या, नहीं याद है शायद से, एकदम टॉप पे था, नहीं 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 टॉप पे नहीं था एक्चुअली, इधर ही किधर होगा, एक सेकंड लेट मी चेक। ए यार क्या रहा? ए भाई बहन के लौड़ो, तुम लोग क्या लगता है मैं इतने आसानी से मतलब मरूंगा तुम लोग के हाथ से, एक स्क्रैच आया है ना ज़्यादा ज़्यादा। ओके 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 यहीं पे यहीं पे यहीं पे आई रिमेम्बर, अरे नहीं यार यहाँ पे नहीं था, एकदम कोने वाली जगह पे। अरे बहन चोद, अरे 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 बहन चोद, मर ही गया हूँ तो मर जाता हूँ यार बहन के लौड़ो। साला एक तो मेरे को मालूम है यार तुम लोग का, मैंने सुन के बहुत बड़ी वाली गलती की, आराम करो, बोलते हो तुम लोग की हार्ड मोड पे खेल कुछ नहीं होगा, लंड कुछ नहीं हो रहा, बैठ चोद बहुत कुछ हो रहा है यार। ये भाई मार लौड़े के बाल झाटू, मैं रुक जा अभी थोड़ा मेरे को प्लानिंग करने दो। ओके ओके सबसे पहले मैं जाना चाहूँगा नीचे, कूल मैं अभी भाई भोसड़े में जाओ, मैं अभी अपना थोड़ा सा प्लानिंग लगाना चाहता हूँ, और मेरे को पता है मेरी प्लानिंग चुदी हुई है, स्टिल मैं ट्राई करूँगा मैं अपना प्लानिंग। ओके अब मेरे को कोई नहीं रोक सकता मेरा अपना मतलब दिमाग चलाने से यार। ओके यहाँ पे हंटर्स नहीं है, होप सो ना हो प्लीज़, ज़ॉम्बीज़ मेरे लौड़े पे, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है ज़ॉम्बीज़ से। ओके ओके मेरे हिसाब से ये वो जगह, यस 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 इट्स द प्लेस ब्रो, ये अप। ओके तो यहाँ पे साइंस लैब की लगने वाली है, एंड यस और यहाँ पे कट सीन आने वाला है, यस भाई कट सीन के बिना ही कमेलियन आ गया ये। एक सेकेंड, इक्विपमेंट पहले मैं ये ले लेता हूँ शॉटगन। ओके एंड देन मैं कम्युनिकेटर डिवाइस से सिलेक्ट NPC। ओके नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अरे यार वाह सिलेक्ट कैसे होता है ब्रो, नाइस मेरे को सिलेक्ट करना नहीं आता NPC, बहुत बहुत बढ़िया ब्रो बहुत बढ़िया। अरे रुकना, ओके 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 साकुया आ गए। एक सेकेंड, एक साइना को भी ले लेता हूँ। ओके अरे यार क्या रंडी गिरी है ये भाई, साइना मर जाएगी बे। वो यासुओ के पास पता नहीं कौन सा अजीब सा ग्रेनेड लॉन्चर है बहन के लौड़े के पास। ओके नाइस मर गए तो ओके, यहाँ पे एक शायद से मेरे को थोड़ा सा पता चला है क्या है कि अगर मैं NPC दूसरा सिलेक्ट कर लूँ, मतलब कि जैसे समझ लो अभी मेरी साकुया मर गई थी ना, बट मैंने मरने से पहले यासुओ को सिलेक्ट करके रखा हुआ था, सो इट मींस कि यासुओ जिंदा है, तो मेरा मतलब एक NPC जिंदा है तो उसके चक्कर में मेरे पे इतना कुछ इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरे को क्या लगा था कि अगर NPC मर गया तो मेरा भी गेम ओवर, बट ऐसा नहीं है, एक NPC स्टिल जिंदा है ना तो गेम मेरा ओवर नहीं हुआ,
तो मतलब कि सामने वाला मेरा एनपीसी जो है उसके मरने से पहले मेरे को दूसरे एक एनपीसी को सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा। एंड होप सो सारे एनपीसी ना मरे उससे पहले मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यस एंड पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यासुओ को ही करूँगा क्योंकि उसके पास अलग ग्रेनेड लॉन्चर है यार। और मेरे को पता है तुम लोग 60% शायद से समझे ही नहीं होगे मैं क्या बोलना चाहता था। ओके यार आना आई लाउडिया अरे एक तो गोली मार लौड़े। देख 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 इधर आ नाइस इसका गोली खत्म हो गया बहुत बढ़िया। तो इसका गोली मतलब रिस्टोर होता है क्या? ए, हट साले तेरे से कुछ नहीं होएगा। अरे रुक सिलेक्ट एनपीसी ना। अरे यार नहीं नहीं साको यार मेरे को ये चाहिए। बहुत बढ़िया अबे हट यार क्या बटन दब रहे मेरे। अरे भाई एंड गेम नहीं रुक जा अभी तेरा कुछ काम नहीं भैंड चला भैंड छोड़। सिलेक्ट एनपीसी नहीं साको यार नहीं चाहिए साइन अच्छी है। Eventually. पहले चल इसको यहाँ पे घुमाते क्या। नाइस इतना दूर तक इसका एमओ आता है रेंज आता है मतलब इसको मारना ही है क्या मतलब मेरे को और क्या यार। वाह ये भाई अबे हट 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 अबे यार क्या बटन दबा रहे हो क्या बटन दबा रहा है मेरे से यार। ओके 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 यार और अबे यार क्या बटन दबा रहा मेरे को ही आइडिया नहीं मालूम कुछ नहीं जम रहा है मेरे को बटन दबाने। ख़त्म मेरे एचपी एचपी सब ख़त्म हो गई। हैंड ग्रेनेड ले लो शायद से पता नहीं कौन से बटन से फेंकते थे हैंड ग्रेनेड वो भी भूल गया मैं। ओके वन से फेंकते बहुत बढ़िया वो तो नहीं मरा मैं मर गया लेकिन। द नेक्स्ट डे पता नहीं भाई मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी ये सोच के कि शायद से मर जाएगा बट मेरे को अभी आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत अच्छा खासा डैमेज दिया है मैंने इसको। ओके फाइनली यार अबे मैं कितना भाई कितना डैमेज दिया था पता है क्या तुम लोगों को पता नहीं कितनी बार मार रहा हूँ बहन के लौड़े को। तब जाके मैं बोला चलो लास्ट में भी एनपीसी को बुलाता हूँ क्या। फाइनली यार हैंड गन पता नहीं अजीब सा कौन सा मिला ग्रेनेड सेल्स मिले। ओके 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 डिस्टोर मैंने सारे हैं वो ग्रेनेड यूज़ कर लिए मालूम। ये कहाँ पे यूज़ होता है भाई ओपन टू कौन सा डोर था पता नहीं नाम भी नहीं पड़ा नेवर माइंड। फाइनली ये लोडू चंद मर गया एंड आई कैन एक्सप्लोर मोर सिट नाउ। बस मेरे को यही करने आना था क्या। अबे यार इधर बकचोद अबे यार मैं एनपीसी हटा देता हूँ ना यार काई के लिए बकचोद बना अलग चोद रहा हूँ मैं। एक तो यार स्लो है यार साला जब तक मैं करूँगा तब तक बेंच कोई मार के चल देता है साला अलग शॉट है। पहले मैं जाके सेव कर रहा भाई बाकी सब जाए भोसड़े में ठीक है। और मैं यहाँ पे अपना हीलिंग भी नहीं कर सकता सैडली। तो मेरे को कहाँ पे जाना है कौन सा कार्ड है सेवर कार्ड। ओके कहाँ पे लेकिन है ये मैंने अब तक तो ऐसा कोई रूम नहीं पड़ा जहाँ पे ये कार्ड का यूज़ होता हो बट लेट्स सी क्या पता मेरे को मिल जाए। ओके ओ यहाँ पे जा सकता था क्या मैं। अरे कौन सा ओके नॉर्मली ज़ॉम्बीज़ है नहीं नहीं यहाँ पे तो मैं पहले भी जा चुका हूँ तो नहीं कुछ अजीब सा आवाज़ आए टे करके तो मेरे को लगा कि ऐसा कि वही यार
ये खुल गया मेरे को, पता नहीं अजीब अजीब से चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ मैं बीच बीच में, लगा मेरे को नहीं लगा, क्या पता क्या बोलते रहता हूँ मैं यार। बच गया, यहाँ पे कुछ काम नहीं अपना। ओके यहाँ पे शायद से है, यहाँ पे कुछ होएगा काम नहीं, क्या पता इधर किधर होना चाहिए अब तक तो लग रहा। अरे याद आया याद आया याद आया याद आया, एक ही तो जगह बची है यहाँ पे, ऐसा मेरे को लगता है कि हो सकता है बट मेरे को आइडिया नहीं सही में। अरे वो अंडरग्राउंड में नहीं था क्या, जहाँ पे अपने को मैनेजर्स रूम की यूज़ करना था तब जाके दरवाज़ा खुलता है, तो वहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है। देखते भाई, लेट्स सी, नेमेसिस ना आ जाए भाई। भाई बहन चूत, ये क्या है? किंजी नोबिता पता नहीं इसको देख के पहचान जाता, बोलता है केंजी। केंजी उसको बोलता है ये बंदा उन लोग जैसा नहीं है, ये कुछ एकदम अलग ही बंदा, तो यहाँ से जल्दी निकल जाओ इस भयानक जगह से जितना जल्दी हो सके, ऐसा नोबिता को वॉर्न कर रहा। फिर नोबिता लेकिन उसको बोलता है कि नहीं मैं ऐसे अपने दोस्तों को ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। अब गांड मारा भैंड से, अकेला नहीं छोड़ के जा सकता, अभी तेरी गांड अकेले में मारेगा ये, क्या बोलने का भाई, इतना अच्छे से छोड़ जाता फिर भी ना भाई, यही सीन है ना भाई, चार चवन्नी घोड़े पे हमारी गांड तुम्हारी लौड़े पे। ओके आई एम स्केर्ड बट आई एम रनिंग, आई एम नॉट ओके, नोबिता बोलता है मैं डरा हुआ हूँ लेकिन भागूंगा नहीं। वही भाग गया हुआ, नहीं 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 नहीं, अभी मेरे पास ना HP है ना कुछ है। भाग 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 भाग, ओके अभी यहाँ पे अपन ओके। बहुत बड़ी जगह है ना, उसके पीछे कुछ तो है लगा हुआ है, तो क्या पता मैं अपन कुछ कर सके। नहीं इसके पीछे मैं जा ही नहीं सकता, अपने को जाने नहीं देगा। अरे यार केंजी मर जाएगा लौड़ेगा, एक सेकंड केंजी को हटाओ छाटू को, एक सेकंड कम्युनिकेशन डिवाइस हट फेंक चोर, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यासु आ जा चल लौड़े। भाई यार मार देगा, नहीं 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 रिमूव, ओके बच गया, फक ब्रो, ओके ग्रेनेड तो है नहीं मेरे को, बस ग्रेनेड सेल्स मिले। ये तो ठीक है, थोड़ा सा मैं थोड़ा थोड़ा करके, बहन की चूत इतना टाइम लगता है क्या, एक सेकेंड, आराम से इतना घाई क्या है। बहुत बढ़िया, मेरी गोली ख़त्म हो गई, तो और मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, शॉटगन की एमो होगी क्या मेरे पास। अबे यार क्या वेस्ट कर रहा हूँ मैं, फाइनली ये भी गया। ओके जैसे जैसे मैं इतनी जल्दी जल्दी बॉस को मार कैसे पा रहा हूँ पता नहीं चल रहा मेरे को। एनीवेज क्या बोलता है नोबिता, अचानक से वो बंदा चला गया, गायब हो गया। नोबिता कहने का मतलब है कि बंदा गायब हो गया, मरा नहीं है, मतलब कि अपनी गांड मारने के लिए फिर से आएगा वो। केंजी बोलते हैं हाँ शायद से सही कहा तुमने, लेकिन देखो अपनी ज़िंदगी थोड़ी ज़्यादा अहमियत देनी पड़ेगी तेरी ज़िंदगी को, ऐसा नहीं है कि तू हमेशा कोई ना कोई डायलॉग मारेगा और बोलेगा अरे मैं अपने दोस्तों को छोड़ के नहीं जा सकता। लौड़ो तेरी लाइफ इंपॉर्टेंट है ठीक है, वैल्यू देना सीख अपनी लाइफ को, और जहाँ पे भागने की ज़रूरत पड़े भाग, अपनी गांड मत देके आ यहाँ पे। फिर नोबिता भी बोलता है हाँ मेरे को पता है, बहुत बार जो मैं करता हूँ एक्शंस लेता हूँ जो बहुत ही नमूने से होते, बहुत बेतुके रहते, लेकिन सही बता रहा हूँ मैं बहुत डरा हुआ था यार, लेकिन मैं उससे ज़्यादा तो इस बात से डरा था अगर मैं यहाँ से भाग जाऊँगा तो वो तेरे को मार डालेगा क्योंकि तू अकेला था यहाँ पे। फिर केंजी बोलता है एटलीस्ट मैं जिंदा हूँ आखिर में, ऐसा बोल रहा है, थैंक्स नोबिता। फिर नोबिता बोलता है मैं सर्वर्स हो गया यार, ये सेवर्स पता नहीं कौन सा वर्ड है भाई मेरे को नहीं पता। ओके 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 ओके, कुछ तो इन लोग बात कर रहे हैं फालतू सी। ओके तो यहाँ पे अपने को जाने गए, ओके पहले मैं जाके सेव करना चाहता हूँ, ये बकचोदपना मैं बाद में कर लूँगा क्योंकि मैं बस एमओ ख़त्म हो चुके सबसे बड़ी बात, ठीक है
सो लेट्स क्या हो सकता है, लेट्स सी। द नेक्स्ट डे अब मेरे को पता नहीं, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि इसके अंदर नहीं जाऊँ और वीडियो एंड कर दूँ, बट ऐसा मेरा मन हो रहा है अंदर जाने का, तो चले जाता हूँ उसे। ओके एक नॉर्मल सा जोम्बी और बहुत सारे जोम्बीज, एमओज है एंड शॉटगन एमओ है, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे चलो हीलिंग वीलिंग मिली मेरे को, तो मेरे हिसाब से अभी गांड मराई थोड़ी कम करनी चाहिए मेरे को। यस एमओ एमओ मिल रहा है, आर्मर वगैरह, आर्मर पहले सेल कर लेता हूँ। आर्मर किधर गया, बस थोड़ा ये बढ़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, सेम ही है। सो फिर क्या बोलते हो, अभी वीडियो एंड कर दूँ? आज के वीडियो में मैंने दो बॉसेस को हरा दिया, ठीक है। अब ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि मैंने कुछ नहीं किया, एंड अभी एक नई जगह आई है तो वीडियो एंड करने का तो हक बनता है ब्रो मेरा, ठीक है। ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में सब चीज़ बन जाए, जैसे कि मैं पता नहीं कितनी बार बोल चुका रहूँगा यही बकचोद पना। एनीवेज फिर आज के वीडियो में अपन ने क्या क्या किया, अपने को मिली थी साइंस लैब की, तो यासुआ आया एकदम गुस्से में था कि नहीं मैं भी आऊँगा तेरे साथ, क्योंकि मेरे को उस कमेलियन से, उस गिरगिट से बदला लेना है जो उसने मेरे साथ किया, मैं भी उसके साथ करना चाहता हूँ। तो अपन ने कैसे कैसे करके उसको हराया, मेरे को तो सही बता रहा हूँ आधे टाइम तक मेरे कंट्रोल ही नहीं जम रहे थे। भैंड में बैग दबाने के चक्कर में वेपन सिलेक्ट कर रहा हूँ, इतने मेरे चुतिया पे हो गए थे मेरे साथ। एंड फाइनली मैंने लेकिन हरा दिया। एंड जब मेरे को वो एक कौन सा कार्ड मिला, सर्वर कार्ड, एंड मैं अंडरग्राउंड गया कि चलो मैं यूज़ करूँगा करके, क्योंकि मेरे को यहाँ वहाँ तो कुछ मिला नहीं। एंड लास्ट में मेरे दिमाग की बत्ती जली कि हाँ वहीं पे होगा, क्योंकि एक ही वो जगह है जहाँ पे कौन सा तो अलग ही तरह का कार्ड स्वाइप करने का कुछ तो मशीन है वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके पता चलता है कि केंजी के सामने एक बहुत बड़ा सा कोई मॉन्स्टर है, एंड आई डोंट नो भाई कौन है वो। देन केंजी बोलता है उसको भागने के लिए, नोबिता भाग जा तो यहाँ से क्योंकि ये बंदा बहुत अलग है, बहुत डेंजरस है। लेकिन नोबिता बोलता है कि नहीं मैं अपने दोस्तों को अकेला छोड़ कर नहीं जा सकता। एंड फिर अपन ने उससे भी लड़े एंड कैसे कैसे वो करके भाग गया। एंड अच्छा है मैं वो टाइम पे मरा नहीं भाई, मैं सोचा मरूंगा 10 बार फिर जाके हराऊंगा, लेकिन नहीं एक ही बार में हो गया मेरा काम, उसका काम 25 कर दिया मैंने। तो बस भाई आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करो। एंड नीचे कमेंट करके बताओ क्या नहीं अच्छा लगा, क्यों तुम लोग डिसलाइक कर रहे हो। एंड अगर चैनल पे पहली बार आए हो या फिर कहीं से भी तुमको ये वीडियो पहली बार मिला हो या फिर इस चैनल का नाम तुमने पहली बार सुना है, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन अभी दबा दो, ठीक है अभी दबा दो, ताकि तुम लोग को जब कभी मैं वीडियो अपलोड करो सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए एंड तुम सबसे पहले आके वीडियो देख पाओ, ठीक है। सब्सक्राइब करो, उसके बाजू में घंटे का आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर दो, तो जब कभी वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले तुम देख पाओगे। ओके एंड फिर बस फिर आगे का एडवेंचर, अपन नया जगह पे आ चुके हैं तो अभी ये नई जगह की वीडियो अगली वीडियो में बनाऊंगा। तो बस फिर अभी नए जगह पे आ चुके हैं, नया एडवेंचर अगले वीडियो में करेंगे अपन। मैं चाहता हूँ कि ये नई जगह पे मैं आया हूँ तो नई जगह मैं एक्सप्लोर करूँगा अगले एपिसोड में, इसी एपिसोड में नहीं करना चाहता। मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ बट यस बहुत सारे रीज़न से, पहली बात तो वही सेम एनर्जी फिलहाल के लिए नहीं रही मेरे पास, तो मैं नहीं चाहता हूँ मरे ले जैसे मैं वीडियो बनाऊँ। एंड सेकेंडली वही यार, मैं सब चीज़ एक ही में नहीं रिकॉर्ड करना चाहता, बहुत अजीब सा लग जाता है मेरे को। एंड बस फिर भाई आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली बार जल्दी किसी नए वीडियो में। आई नो मैं लेट कर रहा हूँ बहुत, बट अभी से लेट नहीं होगा, ये इसमें पता नहीं कितनी बार बोल चुका, बट ओके यार मैं ट्राई करूँगा नहीं होगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली बार जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, पीस।